जैसा कि सभी टेलीकॉम कंपनियों ने अपने अपने रिचार्ज प्लान्स को इंक्रीज कर दिया है और इस बार तो बिल्कुल हद ही हो गई है, बहुत ही ज्यादा इंक्रीज हुआ है। अब ऐसे में अगर आप किसी भी कंपनी का सिम कार्ड यूज करते हैं और आप ये जानना चाहते हैं कि भैया मुझे रिचार्ज करवाना है कुछ ही मिनटों में, मैं किस तरीके से पता लगा सकता हूं कि मेरे लिए चीप एंड बेस्ट प्लान कौन सा है, तो जी हां फ्रेंड्स, आपने बिल्कुल सही वीडियो पे सेलेक्ट किया है। आज के इस नए वीडियो में मैं वो तरीका बताने वाला हूं जिससे कि आप किसी भी कंपनी का प्लान कंपेयर कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमने बनाया है इसके लिए एक नया कैलकुलेटर जो कि आप देख सकते हैं। आप 1 GB का प्लान यूज करना चाहते हैं, 1.5 GB का प्लान यूज करना चाहते हैं, 2 GB का प्लान यूज करना चाहते हैं, 3 GB के जितने भी जीबी का प्लान यूज करना चाहते हैं, सभी के लिए ये वाला कैलकुलेटर बहुत ही बेस्ट है और ये कुछ ही मिनटों में आपको ये बता देगा कैलकुलेट करके कि आपको कौन से प्लान से रिचार्ज कराना चाहिए। देखिए इस कैलकुलेटर का मैं खासियत एक बार बता देता हूँ कि इसमें केवल और केवल आपको कंपनी की वेबसाइट से कंपनी का किसी भी रिचार्ज प्लान का रेट क्या है वो एंटर करना है और वो कितने दिन के लिए प्लान है और ये एंटर करना है। केवल और केवल 2 एंट्री आपको करनी है, बाकी आपको ये कुछ भी नहीं करना है, इधर घबराना नहीं है। देखिए ये रेट बता देगा पूरा ही। मान लीजिए कि कोई ऐसा प्लान है किसी कंपनी का कि 299 रुपए वाला प्लान है और 28 दिन के लिए है, तो आपने केवल ये 2 एंट्री यहाँ पे करनी है। उसके बाद से ये बता देगा भैया 1 दिन में इस प्लान का कितना रुपया आपके जेब से जा रहा है और पूरे महीने का कितना जा रहा है और ये पूरे साल में कितना जाएगा और ये प्लान आपके लिए कितना बेस्ट है। और अगर ऐसे ही आपने 10, 15, 20 प्लान लिख लिए हैं तो आपको देखने को मिलेगा कि आपके जितने भी फेवरेट्स प्लान हैं उनमें से सबसे महंगा वाला प्लान कौन सा है। देखिए ग्राफ के जरिए यहाँ पता चल जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे कंक्लूजन भी देखने को मिल जाएगा कि भैया इतने जितने भी आपने प्लान लिखे हैं इन प्लान्स में सबसे कम वाला प्लान कौन सा है और सबसे ज्यादा वाला प्लान कौन सा है। देखिए दिन, मंथ और ईयर के हिसाब से आप चेक कर सकते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, इसके साथ ही साथ यहाँ पे आपको एंट्री देखने को मिल जाएगी। जो भी आप एंट्री करेंगे आपके एंट्री के हिसाब से ये शो करेगा। देखिए मैं करके भी आपको दिखाने वाला हूँ। देखिए यहाँ पे जो एंट्री हमने अभी तक किया है, टेम्पररी एंट्री किया है, उसके हिसाब से 8 नंबर का जो प्लान है ये सबसे महंगा है, ये हमें बिल्कुल भी रिचार्ज नहीं कराना चाहिए। अब देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से अब हमें एंट्री करना है, हम देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले तो आपको करना क्या है कि ये सब कुछ डिलीट कर देना है, ये जो एंट्री है। देखिए मैं आपको आपके सामने एंट्री करके दिखाऊंगा, सब एंट्री बिल्कुल जीरो हो चुकी है, कुछ भी नहीं है पहले से। देखिए आप देख सकते हैं ग्राफ में भी कुछ भी नहीं है। अब आपको करना क्या है कि आप जिस भी कंपनी का सिम कार्ड यूज करते हैं उस कंपनी के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है। और देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसा कि अभी के समय में हमने जियो की ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन किया हुआ है। देखिए ये किसी फर्जी वेबसाइट पे आपको बिल्कुल भी नहीं जाना है, आपको कंपनी के ऑफिशियल वेबसाइट पे ही जाके कंपेयर करना है जिससे कि आपको एक्चुअल रिजल्ट मिल पाए। तो देखिए यहाँ पे जियो में आप देख सकते हैं कि ये सभी प्लान्स देखने को मिल रहे हैं। तो अब हमें करना क्या है, हमें सबसे पहले सेलेक्ट ये करना है कि हमको 1 महीने यानी पर डे के लिए कितने GB डेटा चाहिए, हमें कितना मिनिमम चाहिए। तो देखिए कुछ लोग हैं कि भैया डेटा ज्यादा यूज नहीं करते हैं, तो इस कंपनी में आप देख सकते हैं 1 GB पर डे का यहाँ प्लान देखने को मिल रहा है, तो 1 GB वाले के साथ जा सकते हैं। अगर कुछ लोगों का 1.5 GB का काम चल जाता है पूरे दिन में तो 1.5 GB वाले प्लान के साथ जा सकते हैं, 2 GB अगर आपको चाहिए तो 2 GB वाले प्लान के साथ जा सकते हैं। तो ये तो आपका पर्सनल चॉइस है। तो सबसे पहले आपको चॉइस करना है कि भैया आपको पहले GB कितना चाहिए, डेटा कितना चाहिए। उसके बाद से आपको एक चीज और ध्यान देना है कि आपके पास अगर 5G फोन है तो भैया जियो इस टाइम 5G अनलिमिटेड दे रहा है, लेकिन इस बार जब प्लान में चेंज किया है तो बताया है कि कम से कम आपको 2 GB पर डे का प्लान अगर आप लेते हो तो ही आपको 5G अनलिमिटेड मिलेगा। बाकी अगर गलती से आप 1.5 GB वाला करा लेते हो, 1 GB वाला करा लेते हो, आपको नहीं पता है तो भैया आपको नहीं मिलेगा। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 GB वाले में 10 प्लान है टोटल। तो अभी 10 प्लान में कितने कितने रेट का है, कितने कितने डेज का है, अब हम यहाँ पे देख लेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ तक आपने वीडियो देख लिया है ना, तो अब आपको जबरदस्त बेनिफिट मिलने वाला है। देखिए फ्रेंड्स, आपको करना क्या है, सबसे पहले देखिए यहाँ पे एक चीज आप समझ लीजिए कि भैया कंपनियां क्या करती हैं कि ये रेट लिख देती हैं, बाद में यहाँ लिखती हैं 84 डे लिखती हैं, 84 डेज लिखती हैं, 98 डेज लिखती हैं, 90 डेज लिखती हैं। तो भैया काफी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि भैया हमारे लिए कौन सा बेस्ट प्लान है, हमें ये बता दो। तो देखिए इसके लिए आपको करना क्या है,
कि कुछ नहीं करना है, केवल ये 1299 रुपए है, ये 1299 रुपए आपको कॉपी करना है। और यहाँ पे जैसे कि हमने सब जीरो कर लिया है, पहला प्लान हम यहाँ पे एंटर करेंगे 1299 रुपए का है, तो 1299 रुपए आपको एंटर कर लेना है। उसके बाद से देखिए फ्रेंड्स ये कितने डेज का है, तो आपको 84 डेज लिख देना है। देखिए 84 डेज है, बस आपको टेंशन नहीं लेना है, बस ये दो एंट्री कर देना है। देखिए ये ग्राफ में भी यहाँ भी आपको शो करेगा ग्राफ, देखिए यहाँ पे जो पोस्ट देखने को मिला ना यहाँ पे, ये बहुत ही बढ़िया कैलकुलेटर है आपके लिए, आपकी सुविधा के लिए बनाया है। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 नंबर का जो यहाँ पे प्लान है, 2 नंबर का प्लान है आप देख सकते हैं 1029 रुपए का है, तो 1029 रुपए यहाँ पे हमने एंटर किया है। और आप कितने डेज का है, तो ये भी 84 डेज का है, तो देखिए यहाँ पे 84 डेज हमने एंटर कर लिया है। तो देखिए फ्रेंड्स अब उसके बाद से तीसरा प्लान हम यहाँ पे कंपेयर कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे हमने इसको भी कॉपी कर लिया है ठीक इस तरीके से ही, और मैं ये पूरा ही कैलकुलेट करके दिखाऊंगा आपके लाइव आपके सामने, जिससे कि किसी को ऐसा ना लगे कि भैया ये कैलकुलेटर अच्छा काम नहीं कर रहा है। और ये कैलकुलेटर जो आप देख रहे हो ना, ये आपको फ्री आप पोस्ट हम प्रोवाइड करने वाले हैं, किस तरीके से आपको ये कैलकुलेटर मिलेगा हम इसी वीडियो में आगे बताने वाले हैं। अब जैसे कि यहाँ पे 3 प्लान तो हमने लिख लिया है, अब 3 प्लान के अलावा भी हम यहाँ पे पूरे 10 प्लान है, तो 10 प्लान यहाँ पे हम लिख लेते हैं। 999 रुपए हमने इधर लिख लिया है, और उसके बाद से यहाँ पे 98 डेज, तो यहाँ पे हमने 98 डेज लिख लिया है। आपको केवल ऐसे ही एंट्री करना है, ये ऑटोमेटिक सारा वर्क करने वाला है। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे ये 899 रुपए का है, तो ये कॉपी करके भी पेस्ट कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट लिख सकते हैं। अब ये कितने डेज का था, ये 90 डेज का था, तो सभी का अलग अलग जो भी डेज है वो आपको लिख लेना है। अब देखिए फ्रेंड्स हमने ऑलमोस्ट सभी एंट्री कर लिया है, 10 प्लान अवेलेबल थे अभी के समय में, तो 10 के 10 प्लान को हमने एंटर कर दिया है, आपके सामने एंटर किया है। यहाँ पे तो ग्राफ बना ही है, देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे तो आपको ग्राफ बना ही है, लेकिन इसके साथ साथ जो हमने बताया था कि भैया ये ग्राफ भी आपको मदद करेगा बताने में कि आपका सबसे बेस्ट प्लान कौन सा है और सबसे महंगा प्लान कौन सा है। तो देखिए फ्रेंड्स सबसे यहाँ पे देखिए 1 नंबर वाला जो ग्राफ है सबसे ऊपर है आपको देखने को मिल रहा है, ये जो प्लान है ये आपके लिए सबसे महंगा प्लान है आप देख सकते हैं। और यहाँ पे कॉस्ट भी आप देख सकते हैं कि पर डे मिनिमम जो प्लान है आपका 9.99 रुपए देना पड़ेगा एक दिन का, जो भी 2 GB वाले प्लान है, इससे कम का कोई भी प्लान आपको नहीं मिलेगा आप देख सकते हैं। मैक्सिमम आपको प्लान मिलेगा 15.46 रुपए मिलेगा। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसके हिसाब से आप 1 महीने का 300 रुपया तो मिनिमम देने वाले हैं, और उसके बाद से मैक्सिमम आप 463.93 रुपए दे सकते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे कॉस्ट पर ईयर देख सकते हैं कि कितना लगने वाला है, देखिए 3645.94 रुपए आपको लगने वाला है मिनिमम। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैक्सिमम 5644.46 रुपए लगने वाले हैं, और ये उस केस में लगने वाले हैं जबकि आप ये वाले प्लान सेलेक्ट कर रहे हैं, जो कि 84 डे 56 डे 90 डे ए वाले प्लान आप सेलेक्ट कर रहे हैं। अब देखिए फ्रेंड्स हमने ये तो कैलकुलेट कर लिया है कि सबसे सस्ता वाला प्लान आपके लिए कौन सा है, चीप एंड बेस्ट प्लान। अब अगर आप ये जानना चाहते हैं कि भैया ये जो महंगा वाला प्लान है इसमें कुछ खासियत तो होगा ना, क्या वो आपको चाहिए, अदर फीचर्स कुछ चाहिए, तो आप इस प्लान के और फीचर्स को कंपेयर कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो सबसे महंगा वाला प्लान है जिसके लिए आपको पर डे 15.46 रुपए देने पड़ रहे हैं, इस प्लान को लेने में क्या क्या फीचर्स कंपनी प्रोवाइड कर रही है, देखिए ये वाला प्लान है वो, इसमें नेटफ्लिक्स का आपको सब्सक्रिप्शन मिल रहा है। तो अगर ये वाला फीचर्स आपको चाहिए और किसी और प्लान में नहीं है तो भैया आपको ये वाला प्लान ही लेना चाहिए। तो ये तो आपके चॉइस के ऊपर है, लेकिन ये कैलकुलेटर केवल ये आपको बताएगा कि भैया ये सबसे सस्ता प्लान कौन सा है। अब देखिए अभी यहाँ पे एक और ऑप्शन हमने रखा है अदर बेनिफिट्स का, आप देख सकते हैं अदर बेनिफिट्स क्या क्या आपको मिल रहे हैं वो भी आप लिख सकते हैं यहाँ पे, और कंपेयर कर सकते हैं भैया इस जो ये प्लान है जो कम वाले प्लान है क्या उसमें आपको ये बेनिफिट मिल रहा है, अगर मिल रहा है तो आप उस प्लान के साथ जा सकते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स हालांकि ये जो प्लान है हमने 1 GB वाले में कैलकुलेट कर दिया, कोई बात नहीं आप किसी में भी कर सकते हैं, ये जो सीट है वो बिल्कुल 1 जैसी ही बनी हुई है, यहाँ पे बस 1 GB 1.5 GB लिखा हुआ है। अब जैसे 1 GB में हमने जल्दीबाजी में कैलकुलेट कर दिया, कोई बात नहीं ये 2 GB वाले के लिए था तो मैं 2 GB लिख देता हूँ इधर, 2 GB डेटा के साथ ये प्लान हमने कंपेयर किया है। अब आप कर सकते हैं 1 GB वाले प्लान के साथ कंपेयर कर सकते हैं, 1.5 GB वाले के साथ कर सकते हैं, 2 GB वाले के साथ कर सकते हैं, अपने हिसाब से ये कैलकुलेट कर सकते हैं। हालांकि आने वाले वीडियो में मैं काफी ज्यादा डिटेल्स में सभी प्लान को कैलकुलेट करके भी दिखाऊंगा,
अगर आप किसी पार्टिकुलर दूसरी कंपनी के कंपेयर जानना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं कि सबसे पहले आप किस कंपनी के प्लान्स को कंपेयर करके जानना चाहते हैं। और एक पॉइंट्स और मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप कॉपी करके कहीं से डेटा पेस्ट करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। यानी कि आपने पहले से कहीं से प्राइस लिख रखा है और डे लिख रखा है, तो आपको इधर से करना क्या है, कॉपी कर लेना है, कहीं से भी आप कॉपी कर सकते हैं। और यहाँ पे इस शीट में आना है, मान लीजिए कि 2 GB का डेटा आपका है, तो ये तो मैं डिलीट कर देता हूँ, ये पुराना एंट्री है। अब देखिए फ्रेंड्स, जैसे कि हमने डेटा डिलीट कर दिया है और उसके बाद से यहाँ पे पेस्ट करेंगे, देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे हमने कॉपी करके पेस्ट कर दिया और यहाँ पे पूरी की पूरी एंट्री ऑटोमेटिक कैलकुलेट होकर के आ चुकी है। तो इसका मतलब ये है कि आप कहीं डेटा रखे हुए हैं जहाँ पे प्राइस लिखा हुआ है और वैलिडिटी लिखा हुआ है, तो उसको कॉपी पेस्ट करके भी अपना कैलकुलेशन कर सकते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं पूरा ही कैलकुलेशन बिल्कुल एग्जैक्ट तरीके से बताएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, थोड़ा सा और मैं बता देना चाहता हूँ कि अगर आप हमारे चैनल पे जाना चाहते हैं तो इसके लिए यहाँ पे लिंक दिया हुआ है, आप सेलेक्ट करके जा सकते हैं। और देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे लिखा हुआ है भैया ये कैलकुलेटर हमने बनाया है, ऐसा नहीं है कि किसी कंपनी ने प्रोवाइड नहीं किया है, तो ये केवल और केवल कैलकुलेशन पर्पज से बनाया हुआ है। तो यहाँ पे नोट भी हमने डाल दिया है। अब ये कैलकुलेटर आपको कैसे मिलेगा वो हम बात कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आप जाएंगे, ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ना, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाएंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, जैसे कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन हो चुका है, अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इम्पोर्टेंट कैलकुलेटर लिंक्स दिया हुआ है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने इससे पहले कई सारे कैलकुलेटर बनाए हैं, इम्पोर्टेंट कैलकुलेटर बनाए हैं, तो उनके लिंक्स यहाँ पे देखने को मिलेंगे। लेकिन ये जो रिचार्ज वाला कैलकुलेटर है ना, ये 5 नंबर पे आपको देखने को मिल रहा है। देखिए 5 नंबर पे TC सेलेक्ट बेस्ट रिचार्ज कैलकुलेटर है, इस पे जैसे आप सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये फाइल ओपन होकर के आ जाएगी, आपको यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे एक छोटा सा एक पासवर्ड मांगेगा, जो कि पासवर्ड हमने इसी वीडियो में फ्लैश किया हुआ है। आपने अगर पासवर्ड को मिस कर दिया तो एक बार इस वीडियो को देख लो पूरा, आपको पासवर्ड मिलेगा, वही पासवर्ड आपको यहाँ पे एंटर करना है और सबमिट कर देना है। जैसे कि यहाँ पे जैसे ही आप पासवर्ड एंटर करेंगे, सबमिट करेंगे, तो आपको देखने को मिलेगा ये ही वाला कैलकुलेटर ओपन होकर के आ जाएगा। आप देख सकते हैं इसमें आपको देखने को मिलेगा 1 GB, 1.5 GB, 2 GB, 2.5 GB, 3 GB, ये तो वैसे केवल लिखा है नॉर्मल पर्पज के लिए। किसी भी शीट से आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, जैसे कि इस वीडियो में बताया हुआ है किस तरीके से आपको कैलकुलेशन करना है। और हालांकि ये जो रीडिंग्स लिखी हुई है, ये केवल और केवल टेस्ट करने के लिए रीडिंग लिखी हुई है, तो आप इसको इग्नोर करना, इसको आपको डिलीट कर देना है और अपने हिसाब से जो भी रीडिंग है वो यहाँ पे एंटर करना है। आई होप कि इस वीडियो से आपको काफी ज्यादा हेल्प मिला होगा। इस वीडियो के माध्यम से आप और क्या जानना चाहते थे जो कि मैं कवर नहीं कर पाया, वो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, उसका रिप्लाई हम जल्द से जल्द देने का प्रयास करेंगे। इस वीडियो को आप अपने दोस्त मित्रों के साथ फ्री आपको किसी भी प्लेटफॉर्म पर शेयर कर सकते हैं, जिससे उनकी भी सहायता हो सकती है। इसी के साथ मिलते हैं किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।